यहीं से आपको पता चलेगा कि हड्डियां क्यों नहीं चटकानी चाहिए, है ना, हड्डियां क्यों नहीं चटकानी चाहिए। यहीं से आपको पता चलेगा कि हड्डियां क्यों नहीं चटकानी चाहिए, है ना, हड्डियां क्यों नहीं चटकानी चाहिए, अभी समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग चटकाते हो ना हड्डी, थोड़ा ध्यान से देखना। सबने बना लिया चित्र, बना लो सभी लोग। ये चित्र है, ये चित्र बनाइए आप लोग, फिर समझते हैं इसको क्या है ये आखिर, है ना, इस चित्र को बनाओ। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए, जो हमारा हड्डी है ना, मान लीजिए एक हड्डी है बोन वन, एक हड्डी, और यह है दूसरी हड्डी बोन टू, समझो। ये हड्डियों का जो जोड़ होता है यहां पर, सबसे पहले तो याद रखिएगा इस बीच में क्या होता है, कार्टिलेज। ऐसे ही हड्डियों को क्या रखता है, ऐसे समझो, इस तरह से हड्डियों को क्या रखता है, जकड़ के रखता है, है ना, जैसे यह है ना, इस तरह से ये हड्डियों को इस तरह से क्या रखता है, पूरा ऐसे जकड़ के रखता है, ये जो कार्टिलेज है बोन ज्वाइंट पे। दूसरी बात, अब यहां पर ये जो एक उजला वाला ऐसे लेयर जो देख रहे हो, इसे कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, इसे साइनोवियल झिल्ली कहते हैं। साइनोवियल झिल्ली की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये क्या करता है, एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब बात करते हैं, ये जो इसके अंदर आप ये फ्लूइड देख रहे हो, ये जो द्रव होता है, इस द्रव को कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड, या इसे साइनोवियल द्रव कहते हैं। ये द्रव का क्या काम होता है, आप जो हड्डियां ऐसे मूव करते हो, ऐसे ऐसे पूरा जो मूवमेंट होता है हर जगह हड्डियों में, तो ये हड्डियों में मूवमेंट जो होगा, जैसे मशीन है, मशीन में क्या होता है, कल पुर्जे जो है उसका प्रॉपर चलने के लिए क्या चाहिए, ग्रीस और मोबिल चाहिए ना, मशीन के अंदर पूरा जो आपका कल पुर्जा वगैरह उसके जो पार्ट्स होते हैं वो प्रॉपर काम करे। जैसे आपकी, मतलब मान लीजिए गेट है, गेट प्रॉपर नहीं खुलता तो उसकी ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं ना उसकी, सेम उसी प्रकार याद रखिएगा, जो हमारे शरीर का ऑयल और ग्रीस जो है वो क्या है, ये आपका है साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड। ये हड्डियों के प्रॉपर मूवमेंट में, प्रॉपर हड्डियां ऐसे घूमे, प्रॉपर मूव करे, उन सभी में काम आता है कौन, वो आता है साइनोवियल फ्लूइड। जब बात करते हैं दोस्तों इस साइनोवियल फ्लूइड की, अगर ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा ना, सोचो ध्यान से समझना, अगर ये साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाएगा तो आपकी हड्डियां जैसे ऐसे मूव करोगे ना, ऐसे हड्डी मूव करोगे तो दर्द होना शुरू हो जाएगा, प्रॉपर हड्डी मूव ही नहीं करेगा, मूव करेंगे आपका क्या होगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये लिखा है कार्टिलेज, कार्टिलेज यानी उपास्थि, और ये लिखा है लीगामेंट। ये जो है ना, ये आप लाइट ब्लू कलर में ये वाला जो आप लेयर देख रहे हैं, मैंने क्या कहा, हड्डियों को हड्डियों से जोड़कर कौन रखता है, लीगामेंट। तो यहां पर हड्डियों और हड्डियों को जोड़ने वाला कौन कौन करता है, लीगामेंट करता है। और याद रखिएगा, इसी में खिंचाव आ जाने से क्या होता है, स्प्रेन होता है, आ जाने से क्या होता है, स्प्रेन होता है, स्प्रेन यानी मूंछ, कहते हैं ना हमारे पैर में मूंछ आ गया, मूंछ आता है, स्प्रेन आता है, स्प्रेन होता है ना, कहते हैं कि पैर में मूंछ आ गया, मूंछ आने का मतलब क्या, पैर में कि लीगामेंट जो है, लीगामेंट में क्या आ गया, खिंचाव आ गया, है ना, लीगामेंट में आपका क्या आ गया, खिंचाव आ गया। यानी कि अगर ये ग्रीस, यानी ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, अगर ये घटा तो क्या होगा आपका, आपका याद रखिए, अगर ये घट गया तो आपके हड्डियों के मूवमेंट में क्या होगी, परेशानी होगी। तो ये आर्थराइटिस भी एक तरह का ऐसा होता है। अब आवाज क्यों आती है, यहां पर समझिए, ये जो फ्लूइड है ना, ध्यान से समझना, इस फ्लूइड के अंदर क्या होता है, ऑक्साइड गैस जब मिलती है, ध्यान से मेरी बात को समझिए, जब हम सांस लेते हैं तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे मिलती है, इस फ्लूइड से, आपको ये चीज तो पता है ना कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है, जो सोडा वाटर है, कोल्ड ड्रिंक को ऐसे ग्लास में डालते हो तो बबल्स बनता है ना, बुलबुला जो बनता है ना, या सोडा वाटर को ग्लास में डालते होगे, या सोडा का नाम सुनकर बहुत बच्चे एकदम खुश हो गए होंगे, सोडा को जब आप ग्लास में डालते होंगे तो वहां पर भी क्या होता है, बुलबुला बनता है। ये जो बुलबुला बनता है वो किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण बनता है, किसके कारण, कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस के कारण। और जब कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में याद रखिएगा दो अमल होता है, कोल्ड ड्रिंक में जो पीते हैं उसमें जो आपको खट्टापन लगता है, कोल्ड ड्रिंक में जो आपको खट्टापन लगता है वो किसके कारण, तो वो एक अम्ल होता है उसमें, जिसे हम कहते हैं H3PO4, क्या बोलते हैं, H3PO4, जिसे कहा जाता है फॉस्फोरिक अम्ल। और कोल्ड ड्रिंक में दोस्तों जो आपको जलन होती है, गले में पीते हैं तो गले में जलन सा होता है, वो किसके कारण होता है, वो एक एसिड होता है उसमें H2CO3, जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड कहते हैं। याद रखिएगा, जब यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आकर मिलता है तो इसमें भी क्या बनता है, बुलबुला बन जाता है, बबल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे बलून्स बन जाते हैं। और जैसे आप इसको ऐसे दबाइए, देखिए जैसे इसको आप दबाएंगे, ये क्या होता है, यहां पर जो जॉइंट को जैसे आप दबाते हैं ना, तो इसको दबाने से क्या होता है, वो जो बबल्स बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, वो बबल्स क्या होते हैं, वो बबल्स टूटते हैं, वो बबल्स क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आपका ये आवाज आता है।
ये बबल्स के टूटने के कारण ही क्या होता है आपका आवाज आता है, साउंड आता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब आप इसमें मिलेगी तो वो क्या बनाएगा, वो बुलबुला बनाएगा। और वो बुलबुला बनाएगा तो क्या होगा, जैसे आप इसको ऐसे दबाएंगे तो वो बुलबुला टूटेगा, गुब्बारे को तोड़ो आवाज होता है ना, उसी तरह ये बुलबुला जितना होगा सारा टूटेगा तो वो क्या होता है, आवाज होता है। अब देखिए जैसे आप जितना बार आप इसको चटकाएंगे उतना बार बुलबुला क्या हो रहा है, टूट रहा है, और जितना बार बुलबुला वो टूटेगा तो वो बुलबुला कैसे बन रहा है, इसे साइनोवियल फ्लूइड से ही बन रहा है ना, इस साइनोवियल द्रव से ही बन रहा है। यानी जितना आप उंगली चटकाएंगे उतना आपके ज्वाइंट पर ये जो आपका साइनोवियल फ्लूइड है, यानी ये जो ग्रीस है, ये जो मोबिल है, ये क्या होगा, कम होगा। तो इसके कारण आपको आगे अर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है ना, आपको आगे ज्वाइंट में पेन का प्रॉब्लम हो सकता है। क्लियर है ना, यहां तक सभी को समझ में आया है ना। अब बात करते हैं इसके आगे, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा कि क्यों होता है, मतलब ये जो बुलबुला वगैरह क्यों बनता है, मतलब ये आवाज चटकता है, चटकाते हैं तो आवाज क्यों होता है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों एक बीमारी आर्थराइटिस या जिसे हम कहते हैं गठिया, गठिया है ना, गठिया जो होता है दोस्तों, इसे हम क्या होता है, ज्वाइंट में जो पेन होता है,